नमस्कार, मैं श्रीमती पूर्णिमा तिवारी। आप लोग को आज बीएससी फर्स्ट ईयर का वेक्टर वाला पेपर ले रही हूँ। पेपर थर्ड, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग देख रहे हैं यूनिट वन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री एंड फोर वेरिएबल्स। इसका आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो थ्री वेक्टर्स हमारे पास यदि दिए गए हैं तो उसका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले जो छोटे क्लासेस में हमने देख लिया है कि जो टू प्रोडक्ट जो रहते हैं, मतलब दो यदि वेक्टर दिए हुए तो उनका जो स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं इसका इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगा। फर्स्ट वन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी। यदि हम आपके पास में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे विच यील्ड स्केलर क्वांटिटीज, जो कि आपको एक स्केलर क्वांटिटीज देता है। एंड द अदर इज अ वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विच यील्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यदि आपके पास में कोई दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं तो आपको हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही देते हैं। The outcome of the product of any vector with product of two vector is called a product of three vectors. यदि आपके पास में दो वैक्टर दिए हुए हैं क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं और उनके साथ यदि आप तीसरा वैक्टर ले रहे हो और वो भी क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ले रहे हो तो वो आपको क्या देगा, वो आपको एक वैक्टर क्वान्टिटीज ही देगा। सच प्रोडक्ट आर सच प्रोडक्ट आर कॉल्ड अ ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ट्रिपल प्रोडक्ट के हम लोग दो प्रकार यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है स्केलर विच इज द ऑप्टेन बाय द टेकिंग प्रोडक्ट स्केलरली ऑफ एनी वैक्टर्स विथ वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाले जो क्वान्टिटीज हमको मिलता है वो स्केलर मिलता है, वो एक अदिश राशि मिलती है। और वो किस प्रकार से मिलती है, यदि आपके पास में दो सदिश राशियाँ या दो वैक्टर्स दिए हुए हैं उनका यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको यहाँ पे एक वैक्टर क्वान्टिटी मिलती है। और उस वेक्टर क्वांटिटी का यदि आप डॉट प्रोडक्ट के साथ में उनके साथ में लेते हो तो यहाँ पे आपको एक स्केलर क्वांटिटीज मिलती है। सेकंड, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए वेक्टर विच इज ऑब्टेंड बाय टेकिंग प्रोडक्ट वेक्टरली ऑफ एनी वेक्टर विथ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यदि आपके पास में कोई दो वेक्टर्स जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में दिए हुए हैं और उनके साथ में आप तीसरा जो प्रोडक्ट लेकर तीसरा जो वेक्टर लेकर के चल रहे हो वो भी क्रॉस प्रोडक्ट में ही लेकर यदि हम लोग चल रहे हैं तो उससे हमको एक टू वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो प्रथम प्रकार का है जो जिससे कि हमको एक स्केलर वाला जो एक अदिश राशि मिल रही थी उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और जो सेकेंड वाला था जिसमें कि हमको यहाँ पे एक वैक्टर क्वान्टिटी मिल रही थी उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि वो वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। इफ वेक्टर ए बी सी बी एनी थ्री वेक्टर्स, यदि आपके पास में तीन वेक्टर ए बी सी दिए हुए हैं देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विथ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड सी यील्ड अ स्केलर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी एंड इज रिटन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। यदि आपके पास में तीन वेक्टर दिए हुए ए बी सी और आपके पास में वेक्टर बी और सी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हैं और तीसरा वेक्टर ए जो है उनके साथ में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग उसको बड़े बिग ब्रैकेट में वेक्टर ए बी सी लिख सकते हैं या उसको हम लोग कॉमा करके वेक्टर ए बी सी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मिक्स प्रोडक्ट बिकॉज इट कंटेन बोथ डॉट एंड क्रॉस। इसको हम लोग मिक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डॉट और क्रॉस वाला दोनों ही प्रोडक्ट इसमें शामिल होते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। यदि आपके पास में तीन वेक्टर वेक्टर ए बी सी दिए हुए हैं और यदि हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विथ वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, यदि हम लोग तीन अलग अलग जो वेक्टर दिए हुए हैं इसमें सबसे पहले हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसमें, वेक्टर बी और सी में निकाल रहे हैं, और तीसरा जो वेक्टर्स है उसके साथ में फिर से अगेन हम लोग एक बार उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो हमको यहाँ पे उन तीनों का जो सिंप्लीफाई करने से जो मिलेगा हमको वो एक हमको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है जिसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए इसमें रिमार्क होते हैं कुछ, इसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट रिमार्क है ए बी डॉट सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है सिंस क्योंकि यहाँ पे बी डॉट सी जो है वो डॉट प्रोडक्ट में दिए हुए हैं दोनों वेक्टर, और इनका जो हमको मिलता है इनसे जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है वो स्केलर होता है। सो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि वेक्टर ए इंटू जो है ब्रैकेट में है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज अ वेक्टर एंड इस डायरेक्शन इज दैट ऑफ द वेक्टर ए एंड इट्स एटीट्यूड इज वेक्टर बी डॉट सी
टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर ए. यहाँ पे हमको एक वैक्टर क्वान्टिटीज मिलती है जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो नेक्स्ट नंबर टू में है वैक्टर ए और ब्रैकेट में है वैक्टर बी क्रॉस वैक्टर सी इज अनडिफाइंड. वैक्टर ए जो दिया हुआ है वैक्टर बी क्रॉस सी के साथ कभी भी जब दिया हुआ है तो यहाँ पे उसको एक अच्छी भली प्रकार से डिफाइन होना चाहिए कि वैक्टर ए जो है वो उनके साथ में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में. यदि इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है तो इसका कोई भी हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता या अनडिफाइंड टाइप का रह जाता है. नेक्स्ट है इसमें वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी इज मीनिंगलेस. ये भी एक मीनिंगलेस हो जाता है सिंस यदि वैक्टर ए इज़ अ वैक्टर, यदि वैक्टर ए जो है वैक्टर दिया हुआ है और वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी जो है वो एक स्केलर क्वान्टिटीज मिलती है, देयर फोर देयर डॉट प्रोडक्ट इज एब्स्योर्ड एंड सो मीनिंग लेस हो जाता है. यहाँ पे ये तीनों मतलब यदि एक साथ जो है डॉट प्रोडक्ट में दिए हुए हैं तीनों तो यहाँ पे हम लोग इसको एब्स्योर्ड बोलते हैं या फिर इसको मीनिंग लेस बोलते हैं. मतलब एक बार तो स्केलर क्वान्टिटी हमको मिल जाएगी बी डॉट सी की, लेकिन अगेन उस स्केलर क्वान्टिटीज का फिर हम लोग वैक्टर के साथ में फिर से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ भी मतलब क्वान्टिटीज से मीनिंगफुल वाली नहीं मिल पाती है. नेक्स्ट है वैक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में है वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी इज ऑल्सो मीनिंग लेस हो जाती है. ये भी मीनिंग लेस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वैक्टर बी डॉट वैक्टर सी फिर से आपको स्केलर मिलेगा और उसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे वैक्टर ए के साथ में तो यहाँ पे भी हमको कोई भी मीनिंगफुल क्वान्टिटीज नहीं मिल पाती. नेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द वैक्टर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. फर्स्ट इसमें फाइंड द वैक्टर वैल्यू ऑफ द ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी. ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ये तीनों ही वैक्टर्स में दिए हुए हैं. वैन यहाँ पे वैक्टर ए बी सी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है. चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करते समय फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर बी क्रॉस सी हम लोग करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस सी आपके पास में मेनली फर्स्ट दिया हुआ है. इसका हम लोग डिटरमिनेशन निकाल रहे हैं आई जे के फॉर्म में और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग आई जे के की वैल्यू फाइंड करते हैं. वो वैल्यू हमको माइनस थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के टाइप की मिलती है. नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो चुका है वेक्टर बी क्रॉस सी हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस से निकालेंगे. तो अगेन हम लोग क्या करेंगे फिर से डिटरमिनेशन वाला फॉर्म ले रहे हैं और आई जे के फॉर्म में लेंगे और यहाँ पे बी क्रॉस सी की आपने फाइंड कर लिया है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ए की वैल्यू हमको पुट करनी है. तो वेक्टर ए की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर फर्स्ट ऊपर में दिया हुआ है आई के साथ में वन है फिर जे के साथ में माइनस वन माइनस टू है एंड नेक्स्ट के साथ में वन है. तो वन माइनस टू एंड वन की वैल्यू रखें और बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आई है आई के साथ में माइनस थ्री जे के साथ में थ्री एंड के साथ में अगेन थ्री तो माइनस थ्री 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 की वैल्यू रख दिए. उसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई जे के की वैल्यू निकाले ये वैल्यू आपको नाइन नाइन माइनस सिक्स जे माइनस थ्री के यहाँ से मिल जा रही है. नेक्स्ट वाला हम लोग इसमें देख रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द ब्रैकेट में वैक्टर ए डॉट वैक्टर सी ब्रैकेट के बाहर इंटू बी है माइनस फिर है ब्रैकेट में ए डॉट बी इंटू फिर वैक्टर सी है. ए बी सी की तीनों अलग अलग वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले हमने क्या किया हमको जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम लोग इक्वेशन वन के फॉर्म में ले रहे हैं. उसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे. तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में वैक्टर ए डॉट वैक्टर सी की वैल्यू को तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के रूप में फाइंड किया है. डॉट प्रोडक्ट में हमको ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट कभी भी हम लोग करते हैं तो आई डॉट आई का यदि हम लोग कर रहे हैं तो हमको वन मिलेगा जे डॉट जे कर रहे हैं तो भी वन मिलेगा और के डॉट के करने से वन मिलता है. लेकिन यदि मैं आई डॉट जे कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे जीरो मिल जाएगा. तो इसका मतलब यह है कि आई का जो डॉट प्रोडक्ट है या मल्टीप्लीकेशन है केवल आई के साथ होगा जे और के साथ में उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है. तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जे आगे बढ़ जाते हैं तो जे की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू है और नेक्स्ट वाला जो इसमें दिया हुआ है ब्रैकेट उसमें जे की वैल्यू वन है तो माइनस टू इंटू वन माइनस टू मिला. फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो के की वैल्यू थ्री के दी हुई है और नेक्स्ट वाले में के की वैल्यू केवल वन के है तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करने से आपको थ्री मिला. तो माइनस टू प्लस थ्री करने से आपको यहाँ पे माइनस वन वाली वैल्यू मिल जा रही है. ये जो वैल्यू है नहीं माइनस थ्री प्लस थ्री एंड माइनस टू इक्वल टू वन मिल रहा है आपको. नेक्स्ट वाले में हम लोग देख रहे हैं ब्रैकेट में वैक्टर ए डॉट वैक्टर सी इंटू वैक्टर बी इक्वल टू यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है तो वैक्टर ए डॉट सी अभी अभी हम लोग निकाले वन मिला है और वैक्टर बी की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे तो वैक्टर बी के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो आपको एज इट इज़ वैल्यू मिल जा रही है. उसको हमने यहाँ पे इक्वेशन टू बोला है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी के अलग अलग मैंने वैल्यू रखी डॉट प्रोडक्ट के साथ में और डॉट में हम लोग जानते हैं कि आई का आई के साथ ही मल्टीप्लाई हो पाता है जे के साथ में और थ्री जो भी के दिया हुआ के के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने से सिंप्लीफाई करने से आपको वैल्यू माइनस थ्री मिल जा रही है.
अगेन हमारे पास में इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री वाला फॉर्म आ गया है। इक्वेशन थ्री के लिए फिर देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए डॉट बी इंटू सी है, इसको यहाँ पे लिखा है हमने ए डॉट बी की वैल्यू माइनस थ्री इंटू सी की वैल्यू यहाँ पे है जे प्लस के, इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस थ्री जे माइनस थ्री के, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इक्वेशन थ्री इसमें से इक्वेशन थ्री को हम लोग माइनस करेंगे इक्वेशन टू में से, इक्वेशन थ्री की वैल्यू यहाँ पे मैंने रखी वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी इंटू सी है माइनस के फॉर्म में, और इक्वेशन टू वाली जो वैल्यू है वो वैक्टर ए डॉट वैक्टर सी इंटू बी है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है टू आई प्लस फोर जे प्लस टू के। इस प्रकार से हमने आज यहाँ पे सीखा कि वेक्टर के जो ट्रिपल प्रोडक्ट है या जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से प्रोडक्ट करते हैं उसका, और उसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।